हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को ऑरेंज एंड ग्रे टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे कलर पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -10 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसे हम +20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे। सो गाइस, सबसे फर्स्ट में है रेड टोन, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी ह्यू की वैल्यू को हमें इंक्रीज करनी है, ताकि जो हमें रेड टोन दिख रही है हमारे फोटो में वो ऑरेंज टोन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन को यहाँ से करते हैं +21 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारा रेड टोन का एरिया है वो हमें थोड़ा सा लाइटिंग दे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम +10 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -9 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारा स्किन टोन है वो थोड़ा हमें ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +15 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को करेंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी कर देंगे -100 एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी करेंगे -100 एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं शियान कलर पे, एंड शियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन को कर देंगे -100 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को करेंगे हम -100 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम थर्ड वाला ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड अपने फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को कुछ इस प्रकार से हम मिलाएंगे, जैसे मैं मिलाता हूँ ठीक इसी प्रकार से आपको भी इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिलानी है। तो गाइस, इसकी ह्यू है 240 एंड सेचुरेशन है 66, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +40 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को हम +85 रखते हैं एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +30 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फ़ोटो है काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, इसे और बेटर बनाने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +14 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें HDR इफेक्ट दिखने को मिले, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं 6 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी फ़ोटो थोड़ा लाइटिंग रहेगी तो ज़्यादा बेटर लगेगी। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को हम -15 रखते हैं। अब क्या करनी है, हमारी फ़ोटो को स्मूथ एंड शाइनिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +15
एंड नीचे है नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। सो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो गाइस आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को यह एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।